वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह और आप हैं जनसत्ता के साथ में। और इस वक्त मेरे साथ में हैं बिग बॉस। जी हां, बिग बॉस सीजन 2 के चैंपियन, रोडीज के चैंपियन और कई शोज के होस्ट और हम सबके चहेते अपने यूपी वाले आशुतोष कौशिक। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम भैया, नमस्कार। तो आज तो भाई बिग बॉस देख रहे हैं? हाँ जी, बिग बॉस थोड़ा थोड़ा तो बीच में देख ही लेता हूँ और उसमें रहने में मुझे ज्यादा मजा आता है, देखने में नहीं आता मुझे तो। अच्छा, अभी हमने देखा कि आपने एक वीडियो रिलीज किया जिसका टाइटल था बिग बॉस को कोरोना हो गया। तो ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गई कोरोना वोरोना वाली? मतलब बिग बॉस को वैक्सीन भी देने जा रहे हैं क्या आप? देखिए, पूरे देश को, वो तो पूरे दुनिया में हुआ है और मैंने कहा अच्छी वैक्सीन भेजो, अच्छे कैरेक्टर भेजो। भैया होता क्या है कि अगर माला में हर तरह का मोती होगा, हर तरह का कैरेक्टर होगा बिग बॉस के अंदर, तो देखने में मजा आएगा। अब तुम झगड़ते ही रहोगे तो देश के अंदर भी और शो के अंदर भी कोई झगड़ा देखना पसंद नहीं कर रहा है, ज्यादा झगड़ा देखना। तो मैंने कहा कोई अच्छे कैरेक्टर भेजो और नहीं याद है तो हमारा शो देख लो और दुनिया को भी पता है कि हम कितना लड़े थे और कितने प्यार से रहते थे। अच्छा आशु, ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब एक तो उस तरह के अब सेलिब्रिटीज नहीं मिल रहे हैं बिग बॉस में, यहाँ पर भी कई लोगों को बीच में लाना पड़ा, वाइल्ड कार्ड फिर निकालना पड़ा, फिर कोई गया फिर आया, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब एक बोर्डिंग पास लिया हुआ है, अंदर बाहर आ जा रहे हैं, कुल मिला के मामला जम नहीं रहा। तो अब क्यों ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस में उस तरह के लोग नहीं मिल रहे हैं बिग बॉस को? भैया ये बिग बॉस को मिल जाएंगे लेकिन ये डिसाइड होता है कैरेक्टर्स कौन सा, उनकी कास्टिंग टीम किसको कास्ट कर रही है और उसके बाद घर में कैसे टास्क आ रहे हैं। मुझे ये हस्बैंड वाइफ को भी रखना कोई समझ नहीं आया क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे का फेवर लेते हैं, लेना ही पड़ेगा। तो वो हस्बैंड वाइफ को भी मैं आज तक जो देखता हूँ वो भी लोगों से जेल नहीं हो पाए, मतलब वो एक लाइन खींच कर चलते हैं कि नहीं आप हमें बाकी तो सब पानी कम टाइप से वो एक रखते हैं। तो वो घर में, तो देखो घर में रहोगे तो साथ रहोगे। अब हमारे यहाँ कहते हैं कि घर में चार बर्तन होंगे जरूर आवाज करेंगे, हमारे घरों में भी तो घर में कोई झगड़े होते हैं, घर का एक लीडर होता है भाई, डोमिनेंट होगी तो मम्मी होंगी घर की लीडर वरना पापा लीडर होंगे और उन घरों में भी झगड़े होते हैं। लेकिन ये बिग बॉस का घर ऐसा है कि यहाँ पर तो सारे ही लीडर है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ये जो प्रवृत्ति है इस वजह से इस घर में ये झगड़े ज्यादा होते हैं कि कोई बड़े छोटे की इज्जत नहीं है। अच्छा, आपने हस्बैंड वाइफ की बात कही, मतलब रुबीना अभिनव की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अभिनव अब शो का हिस्सा नहीं है और रुबीना बहुत प्रबल दावेदार मानी जा रही है अगर रात को कुछ मेजर उलटफेर नहीं होता, क्योंकि फिलहाल जो वोटिंग ट्रेंड है उसमें वो सबसे ऊपर चल रही है। तो क्या आपको लगा कि रुबीना को नुकसान हुआ अभिनव की वजह से, अभिनव को नुकसान हुआ रुबीना की वजह से? नहीं, नुकसान तो इसमें मैं लास्ट तक आ गए और आप फाइनल में, आपके परिवार में से एक आदमी फाइनल में है तो नुकसान तो कहीं भी नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना था कि ये भी परिवार वालों के साथ जेल नहीं हो पाए। ये हस्बैंड वाइफ आए थे, इनके पास एक मौका था कि हम दोनों पति पत्नी घर को घर के साथ जेल हो जाएं, ये हो नहीं पाए। ये भी उन्होंने नहीं करना चाहा, हम वो बात ही नहीं कर रहे हैं कि इसने नहीं चाहा। लेकिन आपको देखो, जैसे मैं बताता हूँ, मैं जब बॉम्बे रहता था तो बराबर वाला पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से बात भी नहीं करता है, लेकिन हमने भी कढ़ी चावल बनाए सबके घर देकर आए, तो शुरुआत हमने की तो उन्होंने भी डबल प्यार किया। लेकिन मुंबई के अंदर शुरुआत नहीं करता है कोई सामने वाला, हम इधर वाले हैं, हम जाके शुरुआत करके आगे तो उन्होंने भी डबल प्यार दिया। तो यहाँ पर मेन दिक्कत अब देश में यही आ गई है शुरुआत करने की, कि वो मुझसे पहले बात करेगा तो मैं बात करूंगा। मैं खुद ऐसा इंसान हूं, मैं पहले बात करने में अपने आप को बड़ा मानता हूं ताकि दूसरे को मेरी बात का जवाब देना पड़े। तो जो ये प्रवृत्ति लोगों में विकसित हो रही है कि आप पहले वो बात करेगा तब मैं कुछ बोलूंगा, एक एटीट्यूड, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे देश के लिए, समाज के लिए खतरनाक है। एक कंटेस्टेंट है राखी सावंत, आपसे पहले वाले सीजन में आई थी, वो वापस लौटी है 13 साल बाद और टॉप 4 में भी है क्योंकि अभी निकी का अचानक से इलेक्शन हो चुका है तो राखी सावंत बची हैं और नंबर 4 पे माना जा रहा है कि वो हैं। तो वो आपको एज अ कंटेस्टेंट कैसी लगी हैं इस पूरे सीजन में जितना आपने उनको देखा? राखी का तो जग जाहिर है कि मुझे बस
कैमरे पे ले आओ, किसी भी तरह मुझे कैमरे पे ले आओ। बीच में कुछ राखी की वीडियोस भी वायरल हुई थी कि राखी कुछ हरकतें, वो मतलब एक फुहड़ता वाली वीडियो भी राखी की आई थी। तो राखी को तो ये है कि भाई जैसे तैसे जहां से भी हो मुझे कैमरे पे आना है और मुझे वो हर हद पार कर जानी है जो एक आदमी घर परिवार वाला करते हुए सोचे। तभी सलमान खान ने भी कहा था कि राखी घर के दरवाजे खुले हैं, जाओ निकल जाओ, तुमने तो बिल्कुल अति कर दी। तो अब राखी के लिए और क्या कहूंगा, बाकी तो सब जानते ही। लेकिन तो कहीं ना कहीं सलमान खान का सपोर्ट भी मिला आशु उनको राखी को। भैया तो सपोर्ट नहीं कहूंगा मैं, सलमान खान का सपोर्ट मिला तो सलमान खान का सपोर्ट तो सबको ही है। फिर सबको ही सुनाते हैं, सबको धमकाते हैं, सबसे प्यार भी करते हैं, सबसे बात भी करते हैं। लेकिन राखी को लाने वाले तो चैनल है और राखी में कोई परिवर्तन तो था नहीं। जैसे राखी 10-12-13 साल पहले थी ऐसे राखी आज थी। तो इससे ये भी देखने को मिलता है कि 13 साल बाद भी राखी में कोई सुधार नहीं है। बहुत लोगों ने कहा कि आशुतोष की छवि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एलिगोनी के अंदर दिखती है, जो बहुत ज्यादा आप भी लड़ने झगड़ने में यकीन नहीं करते थे, प्यार मोहब्बत से अपना काम करते थे, कहीं ना कहीं उतना तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत एलिगोनी उसके क्लोज जाते हुए, तो उनके बारे में आपका क्या राय है आपकी? देखो मेरा मानना है ताकत हाथ जोड़ के है। हाथ खोल के तो आप गली मोहल्ले के बदमाश बनोगे और हाथ जोड़ के देश के प्रधानमंत्री बन जाओगे भाई और बहनों। तो ताकत हाथ जोड़ के है, हाथ खोल के ताकत नहीं है। और मेरा मानना है जब भाई मामला हाथ जोड़ के निपट सकता है तो उसके लिए हाथ खोलने की जरूरत क्या है। और गुस्सा आना एक इमोशन है। मेरे साथ कभी कोई गलत करता है मैं उसे कभी कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन गलत आदमी गलती करेगा, दोबारा वो किसी हमारे भाई के साथ करेगा या कुछ भी करेगा, उस दिन हम उसे पकड़ लेंगे। फिर जो आते हैं राहुल वैद्य सिंगर भी हैं और एक मजबूत दावेदार भी माने जा रहे हैं, उनका दावा आप किस तरह से देखते हैं? देखो सिंगर हैं, बीच में बाहर चले गए थे फिर वापस बुला लिया। एक तो मैं ना ये बाहर जाना वापस आना ये मैं तो ऐसा लगता है कि ये तो दर्शकों के साथ खिलवाड़ है। फिर आदमी छोड़ के चला जाए, मुझे मम्मी की याद आ रही थी, मुझे अब बिग बॉस की याद आ रही है, वापस आ गया, हम क्या बेवकूफ थे यार। तो वो नहीं, मुझे ऐसा लगता कि भाई तुम छोड़ के चले जाओ फिर आ जाओ, ये प्रोग्रामिंग टीम की गलती है, कोई चला गया चला गया। और हमने तो अपने टाइम में देखा है कितनी प्राइवेसी रखते थे, कितना मतलब सीक्रेटली काम चीजें होती थी। मतलब इस बार तो मतलब मंदिर पर आया, आओ माथा टेको चले जाओ, फिर आ जाओ, फिर आ जाओ, फिर चले जाओ, फिर आ जाओ। अरे यार कन्फ्यूज सा कर दिया है, मतलब वो शो की जो गरिमा है वो कहीं ना कहीं घटी है इस बार। अच्छा आप इस शो का हिस्सा रहे और आपने ये बात छेड़ दी, लोग भी ये जानना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कई बार ऐसा लगता है कि यार ये नेचुरल इमोशन तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड लग रहा है, तो कहीं गुंजाइश होती है क्या इसमें स्क्रिप्टिंग की? भैया स्क्रिप्टेड की ना गुंजाइश इतना मैं नहीं मानूंगा होती है, क्योंकि जो आपका नेचर है, जो आपकी प्रवृत्ति है, जो आपका स्वभाव है, उसको आप किसी बिग बॉस के घर में जाकर कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। मैं नहीं मानूंगा कि आप नेचर के इंसान हो और बिग बॉस के घर में जाके आप झगड़े शुरू कर दोगे और रोज झगड़ोगे या कुछ करोगे। लेकिन अगर आप रोज ही गुस्सा कर रहे हो, रोज ही लड़ रहे हो और बाहर वैसे थे आप फनी नेचर के इंसान, तो मैं मानूं वो स्क्रिप्टेड है। लेकिन मुझे ऐसा कोई करेक्टर दिखा नहीं। जैसे राहुल महाजन को मैं जानता हूँ, वो इस बार बिग बॉस में गए और नेचुरली हमने पहले भी देखा है उनको, घर में भी देखा था, इस बार जब गए तो अब भी देखा तो वो नेचुरल थे, वैसे ही हमारे साथ थे। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि शो स्क्रिप्टेड है। लेकिन अब राहुल महाजन की आपने बात की, राहुल महाजन पिछली बार एक मजबूत दावेदार माने जा रहे थे जब तक कि वो दीवार फांद के बाहर नहीं चले गए बिग बॉस हाउस के, लोगों का बहुत वोट मिल रहा था, ऐसे ही थे जैसे कि अभी इस बार दिखे, लोगों ने तब पसंद किया, इस बार वोट आउट हो गए। आप ये देखिए ना, सब लोगों ने कहीं ना कहीं ये भी बोला कि भाई आशुतोष अगर राहुल नहीं निकलते तो आशुतोष आप जीत ना पाते, राहुल ही जीतते। तो जो बात लोगों ने इस वक्त सोची थी वो गलत फहमी थी, राहुल भाई ने दोबारा आके दूर कर दी कि देखो मैं तब निकल गया था, इस बार आया हूं तो इस बार वोटिंग से। तो जो लोग मेरे लिए कहते थे, मैं तब भी यही कहता था कि भाई मेरी 99 दिन की मेहनत और देश की जनता के प्यार से मैं जीता हूँ, किसी के निकलने आने से जीता नहीं है। फिर भी जो ये मानते थे उनको उनका जवाब मिल गया था। अच्छा आशु एक हम अंदर के रूबीना एली और राहुल वैद्य के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहेंगे, क्योंकि ये वो वक्त है जब 2-3 लोग बचे हुए हैं, आप भी एक समय में थे, आप और राजा चौधरी बचे थे घर के अंदर, क्या फीलिंग होती हो रही होगी इस वक्त
इन तीनों के अंदर की क्या कुछ चल रहा होगा, इनके अंदर जो है एंटिसिपेशन कैसा होगा इनका? जब दो या तीन लोग रह जाते हैं तो आपकी एक तो बातें खत्म हो जाती हैं, आपके मुद्दे खत्म हो चुके हैं, एक दूसरे को इतना जानते हो कि वो खुद को ना जानता हो। इंसान इंसान मतलब दूसरे को इतना जानता होता है उस वक्त, इंसान खुद ही भी इतना नहीं जानता अपने बारे में जितना दूसरे वाला जानता है, क्योंकि उसका फोकस भी उसी पर होता है। अब यहाँ पर बातें खत्म हो जाती है, टॉपिक खत्म हो जाती है, ऐसा लगता है कि बस कैसे ये दिन कटे, ये कैसे कटे और कैसे बस ये अनाउंस हो कौन विनर है क्या है जो भी है, बस भाई अब हो जाए बस फटाफट, एक मनोस्थिति ये बन जाती है। टाइम काटना बहुत मुश्किल हो जाता है वहां। आपके समय से प्राइस मनी अब आधी हो चुकी है, और क्या क्या बदलाव आपने तब से लेकर इन 13 सालों में देखा या महसूस किया है शो में? प्राइस मनी आधी हो गई तो बिग बॉस को पता था सबसे पुराने गरीब हम ही हैं, इसलिए हमें तो पूरे दिए उन्होंने। और रही बात बदलाव की, अब शो के अंदर ना शो का अंदर का कंटेंट कम हो गया है, और लास्ट ईयर जैसे मैं देख रहा था ये फिल्म प्रमोशन का एक अड्डा बन गया है कहीं ना कहीं, और जिस तरह लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, बस मतलब ये ऐसा हो गया कि यार अब तो ये तो वो मिट्टी थी जो शो की मिट्टी की खुशबू थी वो कहीं ना कहीं मिस हो गई है। एक आखिरी सवाल आपसे, आपके हिसाब से आज विनर की ट्रॉफी कौन लेके जा रहा है? भैया विनर की ट्रॉफी जिसको देश की जनता का प्यार मिलेगा वो ले जाएगा, बाकी जहां तक मुझे लगता है रुबीना ही ले जाएगी। चलिए आशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है बहुत व्यस्त हैं और इस व्यस्तता में आपने समय निकाला, कई टेक्निकल ग्लिचेस भी आए लेकिन आपने उसको किस तरह से निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका।